and subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. If the ordered pairs a comma minus 1 and 5 comma b belong to this set, find the values of a and b. तो देखो यार, x comma y एक ordered pair है जो ऐसे defined है, और x comma y ये वैल्यूज भी ले सकता है और x comma y ये वैल्यूज भी ले सकता है. इस बात को समझते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो अब y is equal to 2x minus 3, ठीक है, गिवन x comma y is equal to a comma minus 1. ये यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का पार्ट है. तो आराम से x की जगह a और y की जगह माइनस 1, तो माइनस 3 इस साइड आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 2a इज इक्वल टू 1. आधा काम हो गया, a की वैल्यू आ गई. अब उसी तरह बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि b की वैल्यू आ जाएगी, तो थोड़ा सा काम हो गया. y जो है वो हो जा रहा है b और x है वो हो जा रहा है 5. तो बस b इज इक्वल टू 10 माइनस 3, b इज इक्वल टू 7. काम खत्म हो गया, इजी था. अभी तक जितने हुए हैं सब ऑर्डर्ड पेयर वाले लगभग सिमिलर हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो रहे हैं, या फिर हम लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यूज करना पड़ रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज